कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर बीडीएस में जनरल एनाटॉमी होते हैं बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी एंड डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जनरल एनेटमी द स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट परफेक्ट बुक इज बी डी ये आपको तीन वॉल्यूम्स में मिलेगी वॉल्यूम वन जिसमें आपको अपर लेंथ के बारे में पढ़ने को मिलेगा वॉल्यूम टू जिसमें आपको लोअर पढ़ने को मिलेगा वॉल्यूम थ्री जिसमें आपको हेड नेक और ब्रेन के बारे में पढ़ने को मिलेगा बीडीएस फर्स्ट ईयर में आपको हेड और नेक के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है इसमें आपको क्लियर और सिंपल डायग्राम्स मिलेंगे, जिनकी लेबलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से की हुई है यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक है कि हैंडबुक भी आती है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है फॉर यू वाई अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है तो यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम ग्रीस एंडमी ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी एंड ह्यूमन हिस्ट्रोलॉजी जो कि जनरल जनरलमी का ही पार्ट होते हैं। आई वुड वुस्ट इंद्रवीर सिंह फॉर ह्यूमन एम्ब्रोलॉजीलॉजी बायोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री इज यू सत्यनारायण बट आई वुफर डी एम वासुदेवन इसका मेडिकल वर्जन भी आता है But go for the dental version. It's a great book which is easily understandable. Physiology. The standard books for physiology are Guyton and Hall Medical Physiology, Ganong's Medical Physiology, Sambulingam Medical Physiology. If you want to study for higher level, for example, NEET MDS. Go for it. But if you want to clear your concepts, I would prefer Human Physiology for BDS by A.K. Jen. Now, let's discuss the books which are required for dental anatomy and dental histology. विच इज ऑल्सो नोन एज डीएच दोनों के लिए अलग अलग बुक्स है व्हीलर्स बुक वीलर्स डेंटल एनेटमी फिजियोलॉजी एंड ऑक्लूजन बाय स्टैनली जे नेल इसमें आपको परमानेंट और प्राइमरी टीथ की एनेटमी के बारे में पढ़ने को मिलेगा ऑक्लूजन के बारे में पढ़ने को मिलेगा ये काफी अच्छी बुक है जिसमें सारे टीथ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उनकी फिजियोलॉजी कैसी है उनकी एनाटमी कैसी है सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस बुक में और लैब में आपको टूथ आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाएगा डेंटल हिस्ट्रोलॉजी डेंटल हिस्ट्रोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑर्बंस ओरल हिस्ट्रोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड

पॉइंट फॉर्म में मिलेगा जबकि आपको ऑर्बंस में कंटेंट पैराग्राफ फॉर्म में मिलेगा। लैब मैनुअल मैनुअल के लिए, माजी जोश ऑफ ओरल हिस्टोलॉजी एंड ओरल पैथोलॉजी बाय माजी जोश इट्स अ ग्रेट बुक विच कैन बी रेफर्ड इन बीडीएस थ्योरी आल्सो। एग्जाम पैटर्न फॉर द बीडीएस फर्स्ट ईयर डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्ट्रोलॉजी एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल होता है हंड्रेड मार्क्स का थ्योरी भी होता है हंड्रेड मार्क्स का थ्योरी में हंड्रेड मार्क्स में सेवेंटी मार्क्स का होता है थ्योरी का पेपर और आपका थर्टी मार्क्स का होता है वाई वा टोटल हो गया हंड्रेड हंड्रेड प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू टू हंड्रेड डेंटल एनेटमी एंड डेंटल हिस्ट्रोलॉजी होता है टू हंड्रेड मार्क्स का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में आपको स्लाइड आइडेंटिफाई करनी होती है कार्विंग करनी होती है वैक्स ब्लॉक पर नेक्स्ट कम्स द जनरल एनाटमी जनरल एनाटमी भी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड 100 मार्क्स ऑफ थ्योरी 100 मार्क्स ऑफ थ्योरी में थ्योरी का पेपर होता है सेवेंटी मार्क्स का और थर्टी मार्क्स का होता है आपका वाई प्रैक्टिकल में आपको कौन सी नव कहाँ से पास होने लग रही है पता होना चाहिए और स्पेसिमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है प्रैक्टिकल होता है बायो केमिस्ट्री का, का, uh, का और फिफ्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है फिजियोलॉजी का टोटल दोनों के मार्क्स टोटल किए जाते हैं प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका टू टोटल हंड्रेड मार्क्स का सॉरी और नेक्स्ट द थ्योरी थ्योरी में आपको थर्टी फाइव मार्क्स का आता है फिजियोलॉजी में, में से और थर्टी मार्क्स का जो आपका वाइवा होता है उसमें थर्टी मार्क्स में से फिफ्टीन मार्क्स का जो वाइवा होता है वो होता है आपका बायो केमिस्ट्री में से और फिफ्टीन मार्क्स का जो आपका वाइवा होता है वो होता है फिजियोलॉजी में से टोटल हो गए थर्टी मार्क्स थर्टी प्लस सेवेंटी इज इकल टू थोरी एग्जाम होता है आपका सेवेंटी हंड्रेड मार्क्स का सॉरी हंड्रेड ऑफ थ्योरी प्लस हंड्रेड प्रैक्टिकल टू हंड्रेड मार्क्स ऑफ बायो केमिस्ट्री प्लस फिजियोलॉजी बायो केमिस्ट्री में आपको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर यूर के ऊपर फिजियोलॉजी में आपको आरबीसी काउंट डब्ल्यू बी सी काउंट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना होता है अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसका एग्जाम तो होता है बीडीएस के सेकेंड ईयर में लेकिन कुछ पोर्शन आपको बीडीएस के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है वो है डेंटल मटेरियल्स डेंटल मटेरियल की स्टैंडर्ड बुक होती है फिलिप्स माय पर्सनल फेवरेट बुक फॉर द डेंटल मटेरियल्स इज बेसिक डेंटल मटेरियल्स बाय जॉन जे मनपलिल इसमें काफी कॉन्साइज दिया हुआ है इट्स अ ग्रेट बुक विच इज इज़ीली अंडरस्टैंडेबल एंड सिंप्लीफाइड हाउ टू स्टडी इन द बीडियस फर्स्ट ईयर टिप्स। ट्राई मेमोराइजिंग द स्टफ। मेक मेमोनिक्स दैट आर कन्वीनियंट फॉर यू अपनी लैंग्वेज में बनाइए मेमोनिक्स जो कि फनी साउंड करें ताकि आप उन्हें भूल ना पाए Try making simple notes in the form of flowcharts and diagrams. Discuss in your groups. Get your concepts clear. I hope this video will be helpful. Do like this video, comment below, share with everyone. If you are new to this channel, do subscribe and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you, everyone, for listening.